Hello students, I am Dr. Virendra Singh from SKL Classroom Environment. Dear students, today we are going to learn a very interesting story. Ivan tries an O-level from class plus 2 book Vistas. Writer Colin Dexter. Colin Dexter, he is a crime novel writer from United Kingdom. He was among us between 1932-2017. Dear students, it is very clear because of the writer, he is a crime novel writer. So, in all his creations, crime remains the center figure. इनके जितने भी stories हैं, उनमें crime हमेशा central figure का role अदा करते हैं. और क्योंकि आज भी जो story हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें भी crime का बहुत बड़ा role है. Crime और criminal का बहुत बड़ा role है. Dear students, इससे पहले कि story की गहराई में हम जाएं, मैं चाहूँगा कि आप लोगों को पहले O level को समझ लीजिए. What is an O level? O level is nothing but it is a high school certificate in German language. German भाषा में O level एक तरह का high school certificate के बराबर का rank है. तो आइए अब हम चलते हैं कि इस चैप्टर के अंदर राइटर आप लोगों को बताना क्या चाहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, ये स्टोरी अगर मैं आप लोगों को बहुत अपनी भाषा में बताने की कोशिश करूं तो ये स्टोरी एक चोर और पुलिस की कहानी है. चोर और पुलिस की, और चोर और पुलिस की जब स्टोरीज चलती हैं, जब हम सुनते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है. इसलिए कि दोनों में, चोर में यानी क्रिमिनल में और पुलिस में आउटविट करने की होड़ लगी रहती है. कभी पुलिस क्रिमिनल को आउटविट करती है तो कभी क्रिमिनल पुलिस को आउटविट कर देता है. चालाकियां बहुत अधिक होते हैं. इसीलिए आपके इस चैप्टर का भी थीम बनता है ए बैटल ऑफ विट्स बिटवीन क्रिमिनल एंड पुलिस, कि पुलिस और क्रिमिनल के बीच में चालाकियों का एक लड़ाई, एक द्वंद चलता रहता हमेशा. कभी चोर आगे निकल जाता चालाकी में तो कभी पुलिस आगे निकल जाती है. लेकिन क्योंकि फर्स्ट हैंड रीडिंग के अंदर तो हमें यही थीम नजर आता है, लेकिन एक और हिडन थीम भी है जो राइटर आप लोगों को देना चाहते हैं और जो वास्तव में एनसीईआरटी आप लोगों को बताना चाहती है. वो ये है कि सोसाइटी रिलेटेड थीम है, वो वैल्यू बेस्ड थीम है. वो ये बताना चाहता है कि सोसाइटी ऑलवेज कंडम क्राइम बट हैव सिंपैथी फॉर द क्रिमिनल. समाज का एक नियम है, एक साइकोलॉजी है कि वो अपराध से नफरत करती है, वो अपराध को कंडम करती है, उसका विरोध करती है, लेकिन दूसरी तरफ जो अपराधी होता है उससे सहानुभूति भी रखती है, उससे प्यार भी रखती है. और इसी सहानुभूति का फायदा ये क्रिमिनल उठाते हैं, क्योंकि वो सहानुभूति पुलिस डिपार्टमेंट में भी होती है, वो जेल डिपार्टमेंट में भी होते हैं, वो हर डिपार्टमेंट में होती है. और उसका फायदा ये लोग जानते हैं क्रिमिनल कि ये सोसाइटी की कमी है और ये उसका फायदा उठाते हैं. तो चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं. मैं आप लोगों को करेक्टर से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं. आइए सबसे पहले हम मिलते हैं, हमारा जो सेंट्रल करेक्टर है वो है जैक्सन, नॉट जैक्सन बट जेम्स इवांस. ये हमारा सेंट्रल करेक्टर है जेम्स इवांस. ये एक प्रिजनर है और 3 times ही हैड बीन पुट इन टू द जेल ऑलरेडी. 3 जेल में पहले डाला जा चुका है एंड ऑल द 3 ही एस्केप्ड हिमसेल्फ. 3 ये बच करके भाग गया. तो ये पुलिस के लिए और प्रिजन अथॉरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है. चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम मिलते हैं सेक्रेटरी, ही इज द सेक्रेटरी ऑफ एग्जाम ब्रांच. और नेक्स्ट है गवर्नर, ही इज द गवर्नर ऑफ द जेल. जेल इज सिचुएटेड इन ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड के अंदर ये जेल है, वहां के ये गवर्नर है. और थर्ड ये नेक्स्ट है हमारे मिस्टर जैक्सन, ही इज ए सीनियर प्रिजन ऑफिसर. नेक्स्ट इज स्टीफन्स, ही इज जूनियर प्रिजन ऑफिसर. ये बहुत हट्टे खट्टे हैं, मस्त टाइप के व्यक्ति हैं स्टीफन्स. और जहां पर जैक्सन है ये एक प्रिजन ऑफिसर है और इनका इवांस के साथ हमेशा एक दुश्मनी जैसा व्यवहार इनका रहता है. नेक्स्ट है हमारे मैकलरी. मैकलरी एक इनविजिलेटर है, पर्यवेक्षक है. जब हम एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं तो उसमें एक टीचर चाहिए होता है, वो मैकलरी है. और एक है हमारे बीच में कार्टर जो डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट है. आइए हम बात करते हैं, स्टोरी के ऊपर चलते हैं. तो क्योंकि आप अपने दिमाग में एक इमेज बनाइए कि दिस इज द स्टोरी ऑफ पुलिस एंड थीफ,
चोर और पुलिस के बीच की ये एक कहानी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आइए जैसे ही स्टोरी ओपन होते हैं हम सबसे पहले मिलते हैं सेक्रेटरी से और सेक्रेटरी रिसीव्स ए कॉल फ्रॉम गवर्नर ऑफ ऑक्सफोर्ड जेल। गवर्नर सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करता है कि उनका एक प्रिजनर है जो ओ लेवल सर्टिफिकेट के लिए एग्जाम देना चाहता है, वो अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाहता है, उसके लिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाना है, उसके लिए वो सेक्रेटरी से हेल्प चाहते हैं। सेक्रेटरी उनसे पूछता है कि ये कौन है ये व्यक्ति और कैसा है। इस पर गवर्नर उस इवांस का फेवर करते हैं और वो बताते हैं कि सर वायलेंस से उसका कोई रिलेशन नहीं है, उसका हिंसा से कोई रिलेशन नहीं है, वो तो एक छोटा सा चोर है और वो चोर भी कैसा, वो जन्मजात ही चोर है, जन्म से ही चोरी करता है, इस तरह से वायलेंस से उसका कोई लेना देना नहीं है। सेक्रेटरी और गवर्नर दोनों मिलकर के तय करते हैं कि एग्जाम किस डेट को तय होगा और एग्जाम कहां पर होगा। यह भी तय किया जाता है कि एग्जाम के लिए कहीं बाहर नहीं जाना होगा, बल्कि उसकी जो कैदी है, जो प्रिजनर है, उसकी सेल है जिसमें वो रहता है, वही एग्जामिनेशन सेंटर बनेगा और सेंट मैरी मैक से एक इनविजिलेटर का प्रबंध कर दिया जाएगा। ओके नेक्स्ट कम ऑन, अब हम बता रहे हैं आपको इवांस कौन है। ये इवांस जिसको मैंने आपको पहले भी बताया कि इवांस एक क्रिमिनल है और 3 times इसको जेल में डाला जा चुका है और 3 ही ये वहां से एस्केप हो गया पुलिस को, या ये कहिए प्रिजन अथॉरिटी को चकमा दे करके। अब की बार प्रिजन अथॉरिटी ने ये तय कर रखा है, डिसाइड कर रखा है कि इसे बचने नहीं दिया जाएगा, अब की बार ये एस्केप नहीं हो सकता, इसलिए दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। स्पेशल ऑफिसर्स वहां पर लगा दिए गए, जैक्सन, स्टीफन्स और गवर्नर्स। गवर्नर खुद इस सारे के सारी इंसिडेंट को वॉच कर रहे हैं। एग्जामिनेशन डेट के ऊपर 8:30 के ऊपर जैक्सन और स्टीफन्स इवांस के केबिन में जाते हैं और उसको बताते हैं कि आप शेव कर लीजिए, आधा घंटा आपको दिया जाता है, आपके एग्जामिनेशन, आपके एग्जाम से पहले आपको तैयार होना है। इवांस के बारे में जो जेल अथॉरिटी है वहां सभी के दिमाग में एक बात बन रही है कि ये रुक नहीं सकता जेल के अंदर, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इवान द ब्रेक, इवांस द ब्रेक इसका नाम वहां पर निकाल रखा है जेल के अंदर। जैक्सन जो सीनियर जेल ऑफिसर हैं, प्रिजन ऑफिसर हैं, उनके दिमाग में है कि रेजर जिसे ये शेव कर रहा है या जो इसके नेल कटर हैं, नेल सेसर इंस्ट्रूमेंट है, इनसे ये इनविजिलेटर को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए वो अपने जूनियर को स्टीफन्स को बोल करके जाते हैं कि इनके शेव करने के बाद ये सामान यहां से हटा दिया जाए। स्टीफन्स एग्जामिनेशन सेंटर के रूप में उस स्थान को जचाता है, टेबल्स और चेयर्स को जचाते हैं। ठीक 8:45 पर मैकलरी द एग्जामिनर वहां पर आ जाते हैं। इस पूरे प्रोग्राम को गवर्नर खुद वॉच कर रहे हैं, हर 2 के बाद, हर 4 के बाद वो खुद फोन करते हैं और हर छोटी से छोटी इंसिडेंट को भी वो वॉच कर रहे हैं। मैकलरी 8:45 पर आ जाते हैं, उनके पास एक ब्राउन ब्रीफकेस है, सूटकेस है, जिसको जैक्सन चेक करते हैं। जैक्सन पाते हैं कि उसके ब्रीफकेस के अंदर सामान वही है जो एग्जामिनेशन सेंटर के लिए जरूरत होती है, एक नाइफ है, एक एनवलप है, शील्ड जिसमें क्वेश्चन पेपर्स है, दूसरी छोटी छोटी चीजें हैं, बट ही वाज सरप्राइज टू सी ए लिटल ट्यूब ऑफ 12 inch। उसको आश्चर्य हुआ, एक फूली हुई ट्यूब उसके अंदर लगभग रखी थी 12 inch की। वो पूछते हैं मैकलरी से, सर इसका क्या फंक्शन है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो मैकलरी कुछ हेजिटेट करते उनको बताते हैं, सर आई एम सफरिंग फ्रॉम पाइल्स। पाइल्स के लिए आपकी बुक में एक वर्ड आया हेमरॉइड्स, हेमरॉइड्स कि मुझे पाइल्स है, मुझे एक डिजीज है पाइल्स। अब ये पाइल्स क्या होते हैं बच्चों, हेमरॉइड्स क्या होता है, ये रेक्टम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, रेक्टम से ब्लीडिंग स्टार्ट होते हैं, ये एक इरिटेटिंग डिजीज है। तो वो बताते हैं, मैकलरी बताते हैं, बिकॉज ऑफ दिस डिजीज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू शिट कंटिन्यूअसली फॉर ए लॉन्ग टाइम, इसलिए जब मैं बैठता हूं तो मेरी शीट के नीचे इस ट्यूब को लगा करके बैठता हूं, इसके ऊपर जैक्सन सॉरी फील करते हैं। एनी हाउ पेपर स्टार्ट होना था 9:15 पर, बट इट स्टार्टेड एट 9:25, 10 लेट हुआ, नो प्रॉब्लम। जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ, पेपर के अंदर मैकलरी ने इवांस को बताया कि वो अपने इंडेक्स नंबर लिखें, और इंडेक्स नंबर क्या बताया, 313, और सेंटर नंबर उनको दिया 271। ये
ये जो डिजिट है ये आप लोग ध्यान रखिए क्योंकि आगे काम आएंगे, उनको बता कि आपका इंडेक्स नंबर 313 और सेंटर नंबर 271, क्योंकि क्रिमिनल्स जब भी किसी वर्ड्स का प्रयोग करते हैं तो उनके वो कोड वर्ड्स भी होते हैं। एनी हाउ 940 पर पेपर स्टार्ट हो जाता है, 925 के ऊपर 940 पर सेक्रेटरी से गवर्नर के पास फोन आता है और वो रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नर से कि करप्शन लिस्ट, करप्शन स्लिप जो हमें बंडल में डालनी थी वो हम भूल गए, इसलिए करप्शन करवा दीजिए। वो बताते हैं कि करप्शन क्या है, वो बताते हैं पेज नंबर 3 लाइन 15 फोर्थ वर्ड, वहां पर वर्ड है गोल्डन, जूम गोल्डन लोवन, ये एक सेंटेंस है यहां पे, जूम गोल्डन लोवन। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये इसका मीनिंग क्या होता है। स्टूडेंट्स आपकी इस स्टोरी में बहुत बड़ी परसेंटेज ऑफ वर्ड्स जर्मन भाषा की है, जर्मन लैंग्वेज है। आप लोगों को इस स्टोरी को पढ़ने में यही एक दिक्कत आ रही है क्योंकि इसके अंदर जर्मन भाषा का बहुत बड़ी परसेंटेज है। चैप्टर भी आपका बहुत बड़ा है, 20 पेजेस का है, मिनी नोवेल टाइप का है और उसमें फिर जर्मन भाषा आ जाती है तो आप लोगों के लिए ये दिक्कत क्रिएट करता है। तो ये क्या है, जूम गोल्डन लोयन, वो बताते ये जो वर्ड है इसमें लास्ट में NE GOLDENE के बाद एक N और आना है, ये वो बताते हैं कि इसको आप करेक्ट कर देंगे, वो करवा दिया जाता है, मैकलरी वो करेक्शन करवा देते हैं। 1050 के ऊपर इवांस रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ब्लैंकेट दे दिया जाए क्योंकि मैं सर्दी महसूस कर रहा हूं, उसको ब्लैंकेट दिया जाता है। स्टीफन से उसको वॉच करता है, बार बार पीप होल से देखता है और वो जब भी उसको देखता है वो आश्चर्य करता है कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद हिम, ही रिमेन्स ऑलवेज सिटिंग साइलेंटली वॉचिंग स्ट्रेट एंड हैविंग पेन बिटवीन हिज लिप्स, चुपचाप बैठा है सामने देख रहा है, पेन उसके लिप्स के अंदर है, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। खैर वो पीपल से हर एक मिनट में और बाद में हर दो मिनट में उसको वॉच करते हैं। 1120 के ऊपर एग्जामिनर मैकलरी उनको बोलते हैं कि आपको 5 मिनट्स बची हैं। तभी 1122 के ऊपर एक फोन आता है गवर्नर से, किसके पास आता है, स्टीफन्स के पास, और स्टीफन को आदेश दिया जाता है, ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि यू विल अकंपनी मिस्टर मैकलरी टू गेट आफ्टर कंप्लीटिंग द पेपर, पेपर कंप्लीट होने के बाद, पेपर फिनिश होने के बाद आप मैकलरी को मेन गेट तक छोड़ करके आओगे। अब उनको भी आश्चर्य होता है, उसको भी ऐसा लगता है कि कहीं ये फोन हॉक्स तो नहीं है, फेक तो नहीं है, लेकिन फिर वो संतुष्ट हो जाते हैं। सिमिलरली जब सेक्रेटरी का फोन गवर्नर के पास आता है कि करप्शन स्लिप के लिए, तो गवर्नर को भी डाउट होता है कहीं ये फेक कॉल तो नहीं है, तो वो उसको कॉल बैक करता है, लेकिन तब तक वो जो सेक्रेटरी का फोन है वो बिजी चलता है, तो ये यकीन कर लेते हैं कि फोन ठीक ही होगा। खैर 11:25 पर 11:25 के ऊपर पेपर फिनिश हो जाता है और स्टीफन से मैकलरी को गेट तक छोड़ने के लिए जाते, उसको अकंपनी करते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज थी कि स्टीफन यहां पर महसूस करते हैं कि देयर वर टू अबनॉर्मिलिटीज, एक कि नाउ मैकलरी वाज यूजिंग मच एंड मोर स्कॉटिश लैंग्वेज, वो बहुत ज्यादा स्कॉटिश लैंग्वेज का प्रयोग करे, और सेकंड जो उनका ओवरकोट था वो अब उनके नीज तक आ गया था, घुटनों तक आ गया था, ये उसको दो अबनॉर्मिलिटीज लगी, लेकिन उसने इनकी तरफ गौर नहीं किया। वो वापिस आते हैं और वो सोचते हैं कि मुझे एक बार कैदी को तो देख लूं, प्रिजनर को तो देखूं, और जैसे ही वो उस प्रिजनर को देखते हैं, उसकी लास्ट लुक लेते हैं, वो एकदम चौंक पड़ता है, बिकॉज इन द चेयर ऑफ इवांस देयर वाज ए वॉन्डेड पर्सन, हिज हेड वाज अपीयर्ड एज इफ इट वाज वॉश्ड विद ब्लड, द हेड वाज कंप्लीटली ड्रिपिंग, ब्लड वाज ड्रिपिंग। देख करके ये डर जाता है, क्यों, क्योंकि व्यक्ति जो इवांस की चेयर में पड़ा हुआ था उसके सिर में से ब्लीडिंग हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने सिर ब्लड से धुल गया हो, वो घायल अवस्था के अंदर था और वो लगभग बेहोशी की अवस्था में था। स्टीफन से तत्काल मिस्टर जैक्सन को बुलाते हैं, गवर्नर को बुलाते हैं और गवर्नर कार्टर को बुलाते हैं, हु इज ए डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट, और वो देखते हैं कि ये जो चेयर में पड़ा हुआ है ये कौन व्यक्ति है, वो अंदाज लगाते हैं कि ये मैकलरी होगा। यहां एक विशेष चीज ये दिखाई गई है कि कोई भी व्यक्ति दिमाग पर इतना जोर नहीं दे रहा कि ये व्यक्ति है कौन, ये मैकलरी है या कोई और है, वो मान लेते हैं कि ये मैकलरी ही होगा। तभी मैकलरी कराते हुए उनको एक जो वहां पर जर्मन भाषा का क्वेश्चन पेपर रखा होता वो उनको बताते हैं और उनका लास्ट पेज उनको दिखाते हैं जिनके ऊपर जर्मन भाषा में कुछ ओवरलैपिंग में लिखा हुआ था।
उसमें लिखा हुआ था कि मैकलरी को, जर्मन भाषा में था, कि मैकलरी को बहुत जोर से हिट नहीं करना बिकॉज ही इज द मिनिस्टर, वो एक मिनिस्टर है और उसको बहुत जोर से नहीं मारना। सेकंड, तुम्हें स्कॉटिश भाषा का ज्यादा प्रयोग नहीं करना है। एनी हाउ ये सब चीजें चली। अब ये तय हुआ कि मैकलरी घायल है और इवान से भेष बदल करके, इंप्रेशनेट होकर के वो यहां से निकल गया है, ऐसा सोचा गया, क्योंकि स्टीफन से जिसको छोड़ करके आया था वो मैकलरी को छोड़ करके आया था, लेकिन अब ये सोचा जाता है कि वो मैकलरी नहीं था, वो इवान से मैकलरी का भेष बदल करके निकल गया और मैकलरी को यहां पीट करके और उसको घायल करके चेयर में डाल करके चला गया। स्टीफन्स पर गुस्सा करते हैं क्योंकि स्टीफन्स ही उसको छोड़ करके आया था गेट तक। स्टीफन्स कहता है कि सर आई फॉलोड योर ऑर्डर्स, मैंने तो आपके ऑर्डर्स को फॉलो किया था, क्योंकि आप ही ने तो 11:22 पर मेरे पास फोन किया था, तो मैंने तो आपके फोन को फॉलो किया है। तो इस पर गवर्नर नाराज होते हैं और वो बताते हैं कि ही डिडंट कॉल हिम, उसने उसको कोई फोन नहीं किया। तो अब बच्चों यहां पर भी समझ में आता है कि वो जो फोन कॉल थी वो फेक थी, गवर्नर ने स्टीफन्स को कॉल नहीं किया था उसे गेट तक छोड़ने के लिए। तो गवर्नर यहां पर स्टीफन्स को इडियट बुलाते हैं और वो जैक्सन को भी स्कोल्ड करते हैं, उनको भी धमकाते हैं और उनको बताते हैं कि तुमने उस रूम को चेक किया था, उसके बावजूद भी वो किस तरह से स्पेक्टेकल्स, एक नकली दाढ़ी और कोई विपन टाइप का औजार उसके पास कैसे छुपा पाया वो। यहां एक चीज और देखने की है कि जब जैक्सन उसके रूम को चेक कर रहे थे उस वक्त ये पाया गया था कि इवांस अपने सर पर एक रेड एंड व्हाइट हैट डाले हुए थे। जैक्सन ने कहा इसको हटाइए, इसके ऊपर उसने बड़ी चालाकी से इमोशनल एक दांव खेला। उसने बताया सर ये जो मेरी कैप है इट इज लक्की कैप, जब भी मैं कोई कार्य करता हूं तो ये कैप मुझे उसमें हेल्प करती है, ये मेरी भावनाओं से जुड़ी हुई है और आज तो मैं एग्जाम में अपीयर हो रहा हूं, सो सर काइंडली अलाउ मी टू हैव दिस कैप, आज मुझे अलाउ कर दीजिए। और जैक्सन हालांकि वो उससे नफरत करता है इवान से, उसके बावजूद भी उनके कहीं पर दिल में एक कॉर्नर में उसके पास सहानुभूति है और उसी सहानुभूति का इवान फायदा उठा रहे, इसलिए वो कैप रख लेता है। अब यह तय हुआ कि शायद उसी के अंदर, उस कैप के अंदर ही, आगे चल करके मैं पता लगेगा कि उस कैप के अंदर ही उसने पेस्टिंग का और दाढ़ी का सामान रखा हुआ था। खैर यहां पर गवर्नर और दूसरे पुलिस अथॉरिटी, प्रिजन अथॉरिटी, सभी गाड़ी लेकर के निकलते हैं इवांस को ढूंढने के लिए। और जब वो ढूंढ ही रहे होते हैं तो उनको इवांस तो नहीं मिलता, हाँ ओरिजिनल मैकलरी मिल जाता है। ओरिजिनल मैकलरी, आप कहेंगे जी मैकलरी तो यहां पर आया था पेपर लेने के लिए, हां ये जो मैकलरी आया था ये नकली मैकलरी था, ही वाज फेक मैकलरी, द ओरिजिनल मैकलरी वाज अरेस्टेड बाय देम, ही वाज बाउंड बाय देम। जो ओरिजिनल मैकलरी था उसको तो इवांस के दोस्तों ने या उसके पार्टी के मेंबर्स ने उसको बांध दिया था और उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया था और उसका भेष धारण करके नकली मैकलरी एग्जामिनेशन हॉल में गया था। अब कुछ चीजें क्लियर होती हैं। एक और यहां घटना घटी, क्योंकि गवर्नर ने कार्टर को आदेश दिया कि क्योंकि मैकलरी जो वहां कैबिन में पाया गया था वो घायल है, उसको तत्काल हॉस्पिटल में भेजा जाए, और इसलिए कार्टर ने उसको रेडक्लिफ होटल के ऊपर भेज दिया था। लेकिन जब गवर्नर ने वहां फोन किया कि हमारा एक आदमी मैकलरी आपके हॉस्पिटल में एडमिट है, तो हॉस्पिटल अथॉरिटी ने मना कर दिया कि उनके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। तो यहां फिर एक बात आई कि वो भी फिर मैकलरी नहीं है। पुलिस वैन भेजी गई वहां पर, एम्बुलेंस भेजी गई उनको लाने के लिए, लेकिन वहां पता लगा कि वहां कोई नहीं है, वो वहां से फरार हो गया था। अब बहुत सी चीजें क्लियर हो गई। क्या हुआ समझिए, पहली चीज कि जो गवर्नर के जो पास फोन आया था वो फेक फोन था। दूसरा, जब स्टीफन से जिस व्यक्ति को बाहर छोड़ करके आया है वो कोई और नहीं था, वो वही नकली मैकलरी ही था जिसको स्टीफन से छोड़ करके आया था। तीसरी जो चीज हुई, जो थर्ड जो थिंग थी, वो ये कि जो अंदर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था वो मैकलरी नहीं था बल्कि वो इवांस ही था जिसने मैकलरी का रूप धारण कर लिया था, जिसने उसका भेष बदल लिया था और अब वो भी बाहर निकल चुका था।
तो इस तरह से अगर हम गौर करके देखें कि वो चौथी बार फोर्थ टाइम अगेन ही हैड एस्केप्ड हिमसेल्फ फ्रॉम पुलिस अथॉरिटी और प्रिजन अथॉरिटी, चौथी बार भी वो प्रिजन अथॉरिटी से बच करके निकल गया है। लेकिन अब गवर्नर इसको बहुत सीरियसली लेते हैं और गवर्नर उसको ढूंढने के लिए और उसके जो कोडवर्ड्स हैं उन पर सर्च करते हैं। उन्होंने इनको सर्च किया, उन्होंने जो करप्शन लिस्ट था उसको भी सर्च किया और उन्होंने पाया कि इस करप्शन के अंदर जूम गोल्डन लॉयन का मतलब क्या होता है, गोल्डन लॉयन होटल है इसका मतलब। उधर इवांस अपने होटल के अंदर गोल्डन लायन होटल के अंदर बहुत मजे के अंदर है और वो बहुत खुश है कि इस बार भी मैंने पुलिस को आउटविट किया, मैंने प्रिजन अथॉरिटी को आउटविट किया और चौथी बार मैंने उनको पागल बनाया और मैं सक्सेसफुली वहां से निकल करके आ गया। वो अपने योजनाओं पर खुश हो रहे हैं, वो अपने पीछे योजनाएं कैसे कैसे बनाई, किस किस तरह से उन्होंने कंबल ओढ़ करके उसके उसका पर्दा करके और वो अंदर ही अंदर अपना भेष बदलते रहे, इन चीजों के ऊपर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट से वो चाबी लेते अपने रूम की, अपने रूम की तरफ जाते हैं, सीटी बजाते हुए जाते हैं और जैसे उन्होंने कमरा खोला ही वॉज अ सरप्राइज्ड बिकॉज जस्ट बिफोर हिम देयर वॉज गवर्नर ऑन हिज बेड, उसके बिस्तर पर गवर्नर साहब बैठे हुए थे। घबरा जाता हुआ था ना गवर्नर को वहां पर देख करके, लेकिन क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है इसलिए वो चुपचाप बैठ जाता है और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। लेकिन इवान से गवर्नर साहब से पूछता है कि साहब यू टेल मी प्लीज वन थिंग, हाउ यू रीच हेयर, आप यहां पहुंचे कैसे? तो उन्होंने बताया क्योंकि मैं भी जर्मन भाषा जानता हूं और तुमने जो क्वेश्चन पेपर था उस पर जो भाषा लिखी हुई थी उससे हमें हिंट मिला, दूसरा जो करप्शन लिस्ट था उससे भी हमें हिंट मिला। तो उसने बताया सर ये गोल्डन लॉयन होटल तो यहां पर शहर में बहुत है, फिर आप यहीं कैसे आए? तो वहां पर गवर्नर ने बताया कि यहां हमें आपका ये जो डिजिट थी 313 और 271 इन्होंने हमें बताया, ऑक्सफोर्ड शहर के अंदर यहां पे 313 और 271 केवल और केवल इसी एरिया के कोडवर्ड हैं, यही एरिया इसके अंदर आता है और इस एरिया में गोल्डन लाइन होटल यहीं पर है इसलिए हम यहां पर आए हैं, और इस तरह से उनको अरेस्ट कर दिया गया। लेकिन गवर्नर उनसे पूछता है अब जरा हमें यह बताइए कि आप ये कार्य ये बिजनेस करते कैसे हो? तो इवांस बताता सर विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड्स, आई हैव ए टीम ऑफ माय फ्रेंड्स, ये सब मेरी एक टीम करती है। अब यहां वो बहुत कुछ ओपन करके बताता है, वो बताता है सर जो जर्मन लैंग्वेज का टीचर जो मुझे डेली पढ़ाने आता था ही वॉज नॉट समबॉडी एल्स बट ही वॉज द मेंबर ऑफ माई टीम, वो मेरी ही टीम का एक सदस्य था। नंबर टू सर जो मैकलरी मेरा एग्जाम लेने के लिए गया था ही वॉज नॉट समबॉडी एल्स बट ही वॉज द मेंबर ऑफ माई टीम, वो भी मेरी ही टीम का सदस्य था। सर जो आपके पास गवर्नर के पास जो फोन गया था सेक्रेटरी की तरफ से दैट वॉज फेक फोन, वो कॉल फेक थी, वो मेरे ही पार्टी के किसी सदस्य ने आपके पास फोन किया था, और इस तरह से वो अपनी सारी बातें बताते हैं। गवर्नर बताते हैं जरा ये तो बताओ कि वो जो ब्लीडिंग तुम्हारे सर पर हो रहा था वहां पर इतनी ज्यादा, वो ब्लड जेल के अंदर कैसे आया? तो उसने बताया कि सर दिस वाज पिग्स ब्लड, ये पिग सुअर का ब्लड था एंड वी कलेक्टेड इट फ्रॉम द स्लॉटर शॉप, एक कसाई की दुकान से हमने इसको इकट्ठा करवाया था और क्योंकि इसमें ब्लोटिंग हो सकती थी, ये जम सकता था, इसलिए हमने इसमें कुछ ओरिजिनल ब्लड भी मिला दिया था। और ये आया कैसे, ये वो जो ट्यूब थी जिसके लिए उसने मैकलरी ने कहा था कि मुझे एक पर्टिकुलर डिजीज है, ये उस ट्यूब में भरा हुआ था। तो इन सब चीजों को देख करके गवर्नर को भी आश्चर्य होता है, ही इज आल्सो सरप्राइज्ड, लेकिन अब वो उसको अरेस्ट कर चुका था और इवांस ने भी अपने आप को सरेंडर कर दिया था। वापिस आते हैं, बाहर आते हैं, तो बाहर आते ही गवर्नर बोलते हैं यस कॉल फॉर ए पुलिस वैन, बुलाइए पुलिस वैन को बुलाइए, और जो रिसेप्शनिस्ट लेडी वहां पर बैठी हुई है वो कहती सर इट्स ऑलरेडी कॉल्ड, वेटिंग फॉर द पुलिस अथॉरिटी, वेटिंग फॉर यू, सर वो तो पहले ही बुला ली गई है और वो तो आपका इंतजार कर रहे हैं। इवांस जैसे ही वहां से गुजरता है वो उस महिला की तरफ रिसेप्शनिस्ट की तरफ आई ब्लिंक करता है, आई ब्लिंक का मतलब होता है आंख से एक इशारा करना उसकी तरफ है, और वो लेडी भी उनकी तरफ वापस ब्लिंक करती है। तो अब यहां पर भी हमें कुछ न कुछ ऐसा लगता है कि वो कोई दाव खेलने की कोशिश कर रहा है। उसको जेल गाड़ी के अंदर बैठा दिया जाता है, उसके हाथों में हथकड़ी हैंडकफ डाल दी जाती है और उसको पिछली सीट पर बैठा दिया जाता है, और गवर्नर बहुत खुश है और वो उसको गुड बाय करते हैं ऐसे कि जैसे वो उनका फ्रेंड हो। गाड़ी चली जाती है और जैसे ही गाड़ी वहां से बाहर निकलते हैं, यह एक आश्चर्य की बात है कि गवर्नर साहब ने यह कोशिश नहीं की कि वो जो पुलिस वाले हैं उनको
उनके बारे में कुछ आइडेंटिफाई भी कर ले कि वेदर दे आर रियल पुलिस पर्सन और नॉट, कि वो हैं भी या नहीं, ये जो वैन आई है ये रियल पुलिस वैन है या नहीं। इन चीजों के ऊपर गवर्नर साहब ने कोई गौर नहीं किया। और जैसे ही वो वहां से बाहर निकलते हैं उनके हैंडकप खोल दिए जाते हैं और एक बार पुनः इवान से फ्री हो जाता है और वो कहां जाते हैं, न्यू मनी की तरफ वो चले जाते हैं। तो इस तरह से यहां पर एक बार फिर से इवांस ने पुलिस अथॉरिटी को या ये के प्रिजन अथॉरिटी को, बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स को आउटविट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां आकर के आपकी स्टोरी एंड हो जाती है। तो मैं आपको बता रहा था ना कि देयर रिमेन्स ऑलवेज ए बैटल ऑफ विट्स बिटवीन क्रिमिनल एंड पुलिस और प्रिजन अथॉरिटी, हमेशा क्रिमिनल के बीच में और पुलिस अथॉरिटी के बीच में एक गेम ऑफ ए बैटल ऑफ विट्स रहता है, चालाकी का गेम चलता रहता है। कभी पुलिस आगे चलती है तो कभी क्रिमिनल आगे चलता है। जब गवर्नर ने यहां पर होटल में आकर के इवांस को पकड़ लिया था, अरेस्ट कर लिया था, तो हम और आप सब ये सोचते हैं हाँ अब ये पकड़ा गया, अब नहीं बच करके जा पाएगा, लेकिन वो फिर आउटविट करता है पुलिस अथॉरिटी को। और इस तरह से लास्ट में वो बहुत खुशी के साथ हंसता है कि फोर्थ टाइम एंड इवन फिफ्थ टाइम अगेन आई हैव एस्केप्ड फ्रॉम द पुलिस एंड आई बीफूल्ड पुलिस अथॉरिटी, मैंने पुलिस अथॉरिटी को बीफूल किया है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां आपकी स्टोरी का अंत हो जाता है। और इस स्टोरी के अंदर क्वेश्चन यही बनता है, हाउ डिड इवान आउटविट पुलिस अथॉरिटी और प्रिजन अथॉरिटी। एक सिंपल क्वेश्चन बनता है, वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चन बनता है वो यही है कि वी कंडम क्रिमिनल, वी कंडम क्राइम बट वी हैव सिंपैथी फॉर क्रिमिनल्स, डिस्कस। इस पर आप अपने विचार प्रकट कीजिए, ये आपके क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी, आपने लाइक किया होगा इसको, क्योंकि ऐसी स्टोरीज आप बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इनके अंदर बहुत कुछ सीखना आप लोगों के लिए जरूरी है, किस तरह से कोडिंग सिस्टम चलता है, किस तरह से ये इन कोड वर्ड्स के अंदर अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, किस तरह से पुलिस इनमें सर्च करती है, ये सब चीजें एक तरह से सोचने का एक माध्यम है। और हम सबको इन चीजों के बारे में जानना भी चाहिए, और आने वाले समय में तो ये कोडिंग वगैरह आपके सिलेबस में भी चीजें आ रही हैं। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है इन चैप्टर्स के अंदर या इन स्टोरीज के अंदर तो आप कॉमेंट बॉक्स में मेंशन करें, दो कॉमेंट्स आप जरूर दें, उसी से हमें पता चलता है कि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, बच्चों के समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। आज के लिए इतना ही, दैट्स ओके, हैव ए गुड डे।